ज़ुलहिज्जा का महीना शुरू हुआ चाहता है। ज़ुलहिज्जा के महीने की इब्तिदाई 10 अय्याम की बड़ी फजीलतें आई हुई हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न यसूम 9 ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े रखा करते थे। और ये भी हो सकता है कि ज़िलहिज्जा के 9वीं तारीख को रोज़ा रखा करते थे। ज़िलहिज्जा के 9 तारीख यौम अरफा है। और एक बात हमारे और आपके दिमाग में बार बार गश करती है कि यौम अरफा का रोज़ा कब रखना है। आया जिस दिन हाजी लोग अरफा के मैदान में जमा होते हैं उस दिन, या अपने अपने इलाके के एतबार से 9 तारीख को। तो याद रखिए, राजे कौल इस सिलसिले में यही है कि 9 ज़िलहिज्जा यौम अरफा है। हाजियों के अरफा के मैदान में जमा होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो यौम उकूफ अरफा है, वो अरफा के उकूफ का दिन है वो। जबकि यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा के लिए एक अलम है, ये खास नाम है, क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे हैं जो मक्का और मदीने से एक दिन पहले ही वहाँ पर चाँद नज़र आता है, और प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जो लोग मक्का और मदीने को बेस बनाए थे उनकी थियोरी फेल हो चुकी है, अब एक और थियोरी आ गई कि इंटरनेशनल, पूरे दुनिया में कहीं भी दिख जाए आप जो है उसको फॉलो करें। तो जहाँ पर मक्का और मदीने से एक दिन पहले चाँद नज़र आ जाता है, अब बताइए कि उनका यौम अरफा कब होगा। जिस दिन हाजी लोग अरफा के मैदान में जमा है उस दिन उनके यहाँ क्या है, बोले ईद है, कुर्बानी का दिन है। अब बताइए कि वो लोग कब रखेंगे अरफा का रोज़ा। और प्रैक्टिकली हो रहा है ये रमज़ान में भी आप देखें कि बाकायदा मक्का मदीने से पहले भी, एक दिन पहले भी अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत सारी जगहों पर ईद हुई है। अब जाहिर सी बात है तो उनके यहाँ पर यौम अरफा भी एक दिन पहले। तो अब ये लोग, अगर हाजी लोग अरफा के मैदान में हो तो उसी दिन को यौम अरफा कहा जाता है, ये फ़लसफ़ा सही नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम तासुआ का लफ्ज़ भी है, 9 तारीख का लफ्ज़ भी है। तो बहरहाल जहाँ अपने अपने इलाके के अतबार से 9 तारीख है वही यौम अरफा है, उसी दिन आपको रोज़ा रखना, ईद से एक दिन पहले यौम अरफा का रोज़ा। अलबत्ता आप 9 रोज़े रख रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है, पहले दिन से आप लगातार 9 रोज़े रखें वो भी हो सकता है, क्योंकि नबी से साबित है कि 9 रोज़े रखते थे या 9वीं तारीख को रोज़ा रखते थे। एक रिवायत आती है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किसी महीने में मुकम्मल अशरा रोज़ा नहीं रखे हैं, 10 दिन पूरे के पूरे रोज़ा नहीं रखे हैं। तो बाज़ अहले इल्म इस हदीस से ये इस्तदलाल करते हैं कि पूरे 9 के 9 लगातार ना रखें, एक दो छोड़ दें। बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता नहीं था, हो सकता उनको नॉलेज ना हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 9 रोज़े रखे हैं। ये भी मुमकिन है, कोई रखना चाहता है रख भी सकता है, एक दो बीच में छोड़ना चाहता है छोड़ भी सकता है, कोई हर्ज नहीं है।